शहर से दूर एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव पर एक चुड़ैल का साया था। अरे हरी, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ। कुछ नहीं रमेश, बस चुड़ैल के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, वो कोई भी रूप ले लेती है। और क्या पता, पता चले हम यहाँ हैं और वो हमारा रूप लेकर हमारे घर से बच्चों को गायब कर दे। ये चुड़ैल बच्चों का क्या करती है, कहाँ ले जाती है, आज तक किसी को पता नहीं चला। हाँ भाई हाँ, जल्दी चलो, सब साथ होंगे तो चिंता कम होगी। घर पहुँचने पर हरी का बेटा कहता है, पिताजी आइसक्रीम नहीं लाए। हाथ मुंह धो ले, फिर तुमको ही ले चलता हूँ, अपनी पसंद की खा लेना, ठीक है? आनंदी, एक कप चाय बनाना। तो ये कहकर वो बाथरूम में जाता है और तभी वहाँ चुड़ैल हरी का रूप लेकर आती है। गोलू बेटा, चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं। जी पिताजी। हाँ, पर जल्दी आना जी। तभी हाथ में तौलिया लिए हरी बाथरूम से बाहर आता है। किससे बात कर रही हो, किसे जल्दी आने को बोल रही हो? अरे आप यहाँ हैं तो वो कौन था? कौन कौन था? अरे वही जो अभी अभी गोलू को लेकर गया है। हे भगवान, वो तो पक्का चुड़ैल होगी। अरे कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बचाओ। माँ बचाओ, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाओ मुझे। उस दिन के बाद से गांव में सभी लोग अपने बच्चों को छुपा कर रखते। यदि धोखे से भी शाम के बाद चुड़ैल को कोई बच्चा दिख जाता तो वो उसे फौरन उठा कर ले जाती। रमेश की बीवी अपने बेटे को समझा रही थी। चलो शाम हो गई बेटा, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। माँ मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर जान बचानी है तो पहननी तो पड़ेगी। और तभी जोर से आंधी आती है। मुन्ना तू कोशिश कर पहनने की, मैं छत से कपड़े उठा कर लाती हूँ, कहीं ये आंधी में उड़ न जाए। मुन्ना साड़ी वहीं छोड़कर खिड़की पर खड़ा हो जाता है और तभी वहां चुड़ैल रमेश की बीवी का रूप लेकर आती है। क्या हुआ मेरे लाल को, यहाँ क्यों खड़ा है? और वो उसे बहला फुसला कर बाहर बुला लेती है। सच्ची, चलो माँ। तभी मुन्ना की माँ कमरे में आई, उसने देखा मुन्ना वहाँ नहीं है। हे भगवान, ये लड़का भी। और उसे ढूंढते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा तो मुन्ना किसी का हाथ पकड़कर बाहर जा रहा है। मुन्ना, मुन्ना रुक दो। पर तब तक वो चुड़ैल अपने असली रूप में आई और मुन्ना को लेकर उड़ गई। अरे कोई रोको उसे, कोई बचाओ, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बचाओ। आवाज सुनकर सब गांव वाले जमा हो गए, पर चुड़ैल तो मुन्ना को लेकर जा चुकी थी। क्या करे, ये चुड़ैल किसी का भी रूप बनाकर आ जाती है। और जब तक हम समझ पाते हैं वो बच्चे को ले जाती है। सुना है पास वाले गांव रतनपुर में एक बहुत पहुंचे हुए साधु आए हैं, क्यों ना उनसे मदद की गुहार लगाई जाए। कुछ तो करना ही होगा, इस तरह हाथ पर हाथ धरकर भी तो नहीं बैठा जा सकता। दूसरे दिन सभी लोग साधु से मिलने चल पड़ते हैं। प्रणाम महाराज। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? महाराज। और बाद में उन्होंने इच्छाधारी चुड़ैल की पूरी कहानी बताई।
साधु महाराज ने आंखें बंद की और थोड़ी देर में खोली और फिर बताया, उन बच्चों को उस चुड़ैल ने एक गुफा में डाल रखा है। महाराज, अब आपका ही सहारा है। हमें बताओ हम क्या करें। हम सभी के बच्चे उस चुड़ैल के चंगुल में हैं। हाँ हाँ, अब तो बस दो चार बच्चे ही बचे हैं गांव में। इसका एक उपाय है, पर उसके लिए किसी को उस चुड़ैल के साथ उस जगह पर जाना होगा जहाँ उसने बच्चों को रखा हुआ है। पर महाराज, वो सिर्फ बच्चों को ले जाती है। मैं अपनी शक्ति से किसी को भी एक रात के लिए बच्चा बना सकता हूँ। इस तरह तुम लोग उसकी गुफा का पता आसानी से लगा सकते हो। मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने उस चुड़ैल को देख रखा है। मैं तो रास्ते में ही बेहोश हो जाऊंगा। उसको भेजो ना। अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे चला जाना, हो सकता है चुड़ैल तुझसे ही शादी कर ले। कोई लड़की तो वैसे भी तैयार होने वाली है नहीं। तो तुम्हें क्यों नहीं जाते? तुम्हें चले जाओ। और तभी हरी ने कहा, महाराज मैं जाऊंगा, आप उपाय शुरू कीजिए। साधु ने कमंडल से जल लेकर कुछ मंत्र पढ़े और देखते देखते हरी एक बच्चे में बदल गया। अब बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? इस मंत्र के उच्चारण से तुम वापस अपने असली रूप में आ जाओगे। लो ये भभूति। इसका क्या करना होगा? तुम्हें किसी तरह उसकी गुफा के रास्ते के बाहर इससे एक लाइन बना देनी है, जिसे वो पार नहीं कर पाएगी और हमेशा के लिए गुफा में कैद हो जाएगी। ठीक है महाराज। अब हरी गांव में जाकर चुड़ैल का इंतजार करने लगा और तभी वहां चुड़ैल पहुंची। अरे वाह, आज तो बड़ी आसानी से मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब आएगा मजा, अब 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे। बस फिर और एक और फिर मैं शैतान को इनकी बलि देकर सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। और वो हरी को वहां ले जाती है जहां बाकी बच्चे बंद रहते हैं। अभी सुबह होने में बहुत देर है, क्यों ना एक बच्चा और ढूंढा जाए, फिर आज ही 101 पूरे हो जाएंगे। चुड़ैल के जाते ही हरी ने मंत्र पढ़ा और वो अपने असली रूप में आ गया और वहां से बच्चों को बाहर निकाला। जल्दी करो, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। और सुनो, सीधे गांव जाना, ठीक है? और खुद गुफा के बाहर छुपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। जैसे ही चुड़ैल गुफा के अंदर गई, उसने साधु की दी हुई भभूति से लाइन खींच दी। चुड़ैल को जब अंदर बच्चे नहीं मिलते तो वो बाहर आती है, पर जैसे ही गुफा के दरवाजे पर पैर रखती है, आग की तेज लपटे उठने लगती है। तब तक बच्चे गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों को वहां भेजते हैं। सब गांव वाले एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं और इस तरह गांव वाले उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाते हैं। एक बार फिर से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ गांव में रहते हैं।